नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी अनदर ट्रिप अराउंड द सन, विश यू ऑल वेरी हैप्पी जर्नी इन 2023। दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी ट्रेडर्स लोगों को नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस नए साल के तौर पर हम आप सभी का चहिता टॉपिक जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करने वाले। दोस्तों, ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा और टॉपिक 68 के जरिए इस ऑप्शन ट्रेडिंग को हम आज से स्टार्ट करने वाले। दोस्तों, तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं। जो भी हमें चीज पता है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं ताकि टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने रखने वाला हूं। ये आने वाले वीडियोज में आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में क्या होता है। देखिए, ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन होते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉल को जब लिखा जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में सी लिखा होता है। जब भी आप वहां पे शेयर्स के मार्केट में इस कंपनी को देखते हैं, उसके ऑप्शन को, तो वहां पे अगर आपको सी दिख रहा है उसके सामने, मैं दिखाऊंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पर, तो कॉल ऑप्शन के सामने आपको सी दिखाई देता है। ये सी क्या होता है, तो ये सी होता है कॉल ऑप्शन के लिए और ई होता है यूरोपियन के लिए। तो यूरोपियन शेयर मार्केट जो होता है और अमेरिकन शेयर मार्केट जो होता है, उन दोनों में से हमारा जो शेयर मार्केट चलता है वो यूरोपियन बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूरोपियन कॉल ऑप्शन होता है ये कॉल। ठीक है, और दूसरा जो होता है पुट ऑप्शन, तो पुट ऑप्शन को कैसे लिखा जाता है, पीई करके। अब यानी ई भी यहाँ पे वही है यूरोपियन मार्केट वाला, तो यूरोपियन बेस्ड मार्केट है इसलिए यूरोपियन पुट ऑप्शन। ठीक है, ये पी जो है पुट ऑप्शन के लिए लिखा हुआ है, तो पी लिखा होगा तो पुट ऑप्शन होगा, सी लिखा होगा तो कॉल ऑप्शन होगा। अब सी पी तो हम सभी को पता है और जिनको नहीं पता है वो देख ले। ठीक है, अब इस कॉल ऑप्शन में भी आपको दो चीजें आएंगी, कॉल ऑप्शन या तो आप बाय कर सकते हो या तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो, है ना, आसान। उसी तरीके से पुट ऑप्शन को भी हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब हम कोई एक ट्रेड पूरा करते हैं तो उसमें एक बार खरीदी होनी चाहिए और एक बार बेचना होना चाहिए, तभी वो ट्रेड पूरा कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय कर लिया, पहले जो भी हमारा कॉल ऑप्शन था यहाँ पे आपने बाय कर लिया और उसके बाद आपको सेल करना पड़ेगा, तभी ये पूरा ट्रेड हो जाएगा, है ना। आपने कुछ शेयर्स को बाय किया, बाद में उसे बेचा, तो पूरा ट्रेड हो गया। लेकिन आपने पहले क्या किया, बाय किया, और उसके बाद में क्या किया, सेल किया, इसलिए ऐसे टाइप के ट्रेडिंग को हम बोलते हैं लॉन्ग ट्रेडिंग। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म वाला। तो यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन से रिलेटेड है इसलिए ये लॉन्ग कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉल। उसी तरीके से पुट के बारे में भी, अगर आप पहले बाय करते हो और बाद में सेल करके पूरा ट्रेड कंप्लीट करते हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग पुट, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन को बाय किया था और पुट ऑप्शन को सेल किया है, तो ये लॉन्ग पुट हो जाएगा। और अगर हमने कॉल ऑप्शन को पहले बाय किया बाद में सेल किया, तो ये लॉन्ग कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली ट्रेडिंग में समझते हैं उसी तरीके से, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ, अगर इसके उल्टा हम करेंगे, पहले सेल करेंगे और बाद में पूरा ट्रेड कंप्लीट करने के लिए बाय करेंगे, ठीक है, यानी एग्जिट हो जाएंगे यहां से, तो ये इस पोजीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट कॉल। ठीक है, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन को आपने पहले सेल किया और फिर उसी कॉल ऑप्शन को आपने बाद में बाय किया, तो ये सेल बाय थोड़ा उल्टा हुआ ना, तो सेल बाय को हम शॉर्ट कॉल बोलते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा ट्रेड है, जो पहले हमने सेल किया उसको बाय करके हम स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं वहां से, तो इसे हम शॉर्ट कॉल बोलते हैं। उसी तरीके से अगर पुट ऑप्शन को आपने पहले सेल किया और बाद में बाय किया, तो ये उल्टा ट्रेडिंग हुआ कि नहीं, तो इसलिए इसको शॉर्ट पुट बोलते हैं। ये स्क्वायर ऑफ हो रहा है ना, तो इसलिए इसको शॉर्ट पुट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग टर्म देखा था, शॉर्ट टर्म देखा था, कैसे शॉर्ट पोजिशन ली जाती है, कैसे लॉन्ग पोजिशन ली जाती है, बस सिमिलर टाइप में है। सिर्फ अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में फर्क क्या होता है वो देखने वाले हैं हम यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल देखिएगा ये कैसे दिखते हैं, है ना, शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, निफ्टी जान
18,500 सी। तो ये सी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भैया ये कॉल ऑप्शन है, यूरोपियन कॉल ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 18,500 रुपीज का है। ठीक है, ये इसका एक्सपायरी जो होता है जनवरी मंथ में होता है और ये निफ्टी का है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें पता चल रही है। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे एबॉट इंडिया कंपनी का जो शेयर है 18,500 वाला जनवरी में एक्सपायरी होने वाला सी यानी कॉल ऑप्शन है, यूरोपियन बेस्ड कॉल ऑप्शन। ठीक है, अपोलो शॉप कंपनी का हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल का जो यहाँ पे शेयर्स है कॉल ऑप्शन के लिए, सी से हमें पता चलता है कि ये यूरोपियन कॉल ऑप्शन है, 5,400 रुपीज का जनवरी में इसका एक्सपायरी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पी वाले है, ये पुट ऑप्शन है, यूरोपियन बेस्ड पुट ऑप्शन, इसके आगे पी लिखा हुआ होता है। अब ये किसका है, निफ्टी का है, जनवरी मंथ में एक्सपायरी है, 18,500 का है, या फिर अबाउट इंडिया का है 18,500 का पुट ऑप्शन वाला है ये, फिर अपोलो हॉस्पिटल का है जनवरी मंथ में एक्सपायरी है 5,400 पुट ऑप्शन के लिए। ठीक है, अभी तो दिसंबर एक्सपायर हो गया, दिसंबर चला गया 2022 का। अब जो यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जनवरी के लिए दिखेंगे, फेब्रुआरी के लिए दिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये 2023 के लिए है आगे के। ठीक है, तो आप इसे डरिएगा मत, इसे कैसे आपने बाय करना है, कैसे सेल करना है, कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो हम धीरे धीरे आने वाले डे बाय डे वीडियोस में समझेंगे। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें समझ जाएंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, हम जब कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि मार्केट गिरे चढ़े, कॉल ऑप्शन को हम सेल करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, पुट ऑप्शन को हम बाय करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम क्या चाहते हैं। तो देखिएगा, अगर आज इस टाइम में अगर आप कॉल ऑप्शन को, ये सी जो है ना यूरोपियन कॉल ऑप्शन होता है, तो ये कॉल ऑप्शन को अगर कोई बंदा बाय करना चाहता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे ये सी था अपोलो हॉस्पिटल जनवरी 5,400 रुपीज का ये जो कॉल ऑप्शन है, अगर ये हम लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसे बाय कर लेते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अभी तो मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल ऑप्शन को मैं अभी तो बाय कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मार्केट चढ़ने वाला है ना, क्योंकि मार्केट अभी क्या होगा, बुलिश होगा, एक लेवल जो मैंने बोला है ये उसको क्रॉस कर जाएगा, ये चढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसे बाय कर लेते, ये आपका अगर बाय पॉइंट है, तो आप क्या सोचते हो कि आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ पे चढ़ने वाला है, इसीलिए मैं इस कॉल ऑप्शन को यहाँ पे क्या करूंगा, बाय करूंगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो आप क्या सोचते हो भैया कि ये जो कॉल ऑप्शन है ये कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद ये गिरने वाला है, इसीलिए मैं इसे सेल कर दूंगा। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन को आपने किया यहाँ पे सेल, क्योंकि आप आने वाले दिनों में क्या जानते हो, मार्केट गिरने वाला है। यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि मार्केट चढ़ने वाला है, तभी तो आप चढ़ने वाला होगा तो आपने कॉल ऑप्शन को बाय करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट उतरने वाला है तो आपने कॉल ऑप्शन को सेल करना है। अगर चढ़ने वाला है तो आपका नेचर किस टाइप का हो जाएगा, बुलिश टाइप का, क्योंकि आप बोल रहे हो अब चढ़ने वाला है, और ये सेल टाइप का जब करते हो आप कॉल ऑप्शन को ट्रेडिंग, तो आपका नेचर कैसे बनेगा, बियरिश, क्योंकि आप जानते हो आने वाले दिनों में मार्केट गिरने वाला है, तो आपका नेचर क्या होगा, बियरिश। तो कॉल ऑप्शन को जो बाय करता है वो बुलिश नेचर का होगा, कॉल ऑप्शन को जो सेल करेगा वो बियरिश नेचर का होगा। ठीक है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, बस इसे याद रखना है। अब सेम टाइप में मैं पुट ऑप्शन के लिए बोलूंगा आपको, अगर आप पुट ऑप्शन पीई यानी यूरोपियन बेस्ड पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, खरीदी कर लेते हैं, ठीक है, तो पुट ऑप्शन को इसके उल्टा होता है ये, ठीक है, पुट ऑप्शन को अगर कोई बंदा या फिर हम लोग इसे बाय करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिएगा यहाँ पे ये आज का जो ट्रेडिंग का भाव चल रहा है यहाँ पे है, और आप जानते यहाँ पे मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ पुट ऑप्शन को मैं बाय कर रहा हूँ, है ना, पुट ऑप्शन को मैं खरीदी कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आने वाले कुछ दिनों में मार्केट गिरने वाला है, तो जो पुट ऑप्शन था उसे मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय किया है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये गिरने वाला है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बियरिश टाइप का, ये बियरिश वाला। अगर पुट ऑप्शन को आप बाय करते हो तो आपका नेचर कैसा होगा, बियरिश टाइप का, और अगर पुट ऑप्शन को हम सेल कर देते हैं तो
क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अगर मैं इसे सेल करूंगा इस पुट ऑप्शन को, तो आने वाले दिनों में मार्केट चढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये इसका नेचर क्या हो जाएगा, बुलिश टाइप का, ठीक है। तो पुट ऑप्शन को हम बाय करते हैं तो बेरिश नेचर, पुट ऑप्शन को हम सेल करते हैं तो बुलिश नेचर होता है, ठीक है। ये चीजों को आप समझिएगा, एक बार ब्लैंक पेपर के लिख के देखिएगा कि आपको ये समझ में आ चुका है कि नहीं। कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो मार्केट चढ़ता है, कॉल ऑप्शन को अगर सेल करते हैं तो मार्केट गिरता है, पुट ऑप्शन को हम बाय करेंगे तो मार्केट गिरेगा, पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो मार्केट चढ़ेगा। ये हमारा एक अंदाज होता है, ठीक है। जो भी चार्ट पैटर्न हमने पढ़े हैं उस टाइप का चार्ट बनता है। जैसे मान लीजिएगा डब्लू टाइप का चार्ट बना, तो हम जानते हैं कि वो चढ़ने वाला है, तो हम कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि पुट ऑप्शन सेल करते तब भी हम क्या बोल रहे हैं कि मार्केट चढ़ेगा, और कॉल ऑप्शन को भी बाय करते तब भी हम बोल रहे हैं मार्केट चढ़ेगा। तो अगर डब्ल्यू बन जाता है तो हम कॉल ऑप्शन को या तो बाय कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। आपको दोनों टाइप के वहां पे ऑप्शन मिलेगा, सी भी मिलेगा पी भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए अपोलो का हॉस्पिटल का ये जो है सी वाला है कॉल ऑप्शन वाला, और ये पी वाला है पुट ऑप्शन वाला। अगर डब्लू बना चार्ट में, ठीक है, तो आप कॉल ऑप्शन को क्या बोलोगे, मार्केट तो चढ़ने वाला है, डब्लू बनता है तो आगे चढ़ेगा मार्केट, ठीक है। तो ये जो है अपोलो हॉस्पिटल सी कॉल ऑप्शन को आपने क्या करना है, बाय करना है। और अगर अपोलो हॉस्पिटल 4,500 ये पुट ऑप्शन है तो इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि सेल भी क्या बोलता है कि आने वाला मार्केट बुलिश होगा। तो डब्ल्यू पैटर्न जब बनेगा तो हम कॉल ऑप्शन, इसके कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बढ़ने वाला है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट गिरने वाला यम टाइप का बना, डबल टॉप है ना, यम टाइप का अगर चार्ट बनता है, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट गिरने वाला, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे यम टाइप का बना तो मार्केट गिरने वाला है, तो कॉल ऑप्शन को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट गिरने वाला है ना। या तो फिर हम पुट ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरने वाला है, डबल टॉप बना है ना, तो एम टाइप का गिरने वाला है, तो हम दोनों में से जो भी है हमारे अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं। ये कैसे चूज करना है वो भी हम आगे आगे देखेंगे। तो यहाँ पे यही देखिए, आप अपोलो हॉस्पिटल का पुट ऑप्शन भी है आपके पास, अपोलो हॉस्पिटल का कॉल ऑप्शन भी है। अगर आप जानते हो कि डबल टॉप मॉडल बना है तो मार्केट गिरने वाला है, यम टाइप का चार्ट बन रहा है तो मार्केट गिरने वाला है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में हमारा अंदाज ये है कि मार्केट गिरने वाला है और हम उस मार्केट से कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें है, आपको ये समझ में आना चाहिए। बस थोड़ा सा उल्टा उल्टा दिख रहा है ना आपको, कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे तो चढ़ रहा है, लेकिन पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो मार्केट गिरने वाला होता है। कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं ये तो यहाँ पे मार्केट गिरने वाला होता है, लेकिन पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो मार्केट बढ़ने वाला होता है, ठीक है। तो ये उस खरीदार का अंदाज होता है दोस्तों, ये जो नेचर है ना ये उसके अंदाज होते हैं। आज तो ये प्राइस चल रहा है, आगे क्या होगा ये उसका नेचर होता है, जो होगा उस हिसाब से हमें ये डिसाइड करना है कि मैंने कॉल ऑप्शन को बाय करना है कि सेल करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है कि सेल करना है। ये आपके अंदाज पे, यहाँ पे बनने वाले चार्ट पैटर्न पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बनने वाले कैंडल स्टिक पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बनने वाले वॉल्यूम पे डिपेंड करता है दोस्तों। जो भी इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल करते हो उस इंडिकेटर्स पे बेस होके आप एक अंदाजा लगाना है कि क्या होगा आगे, है ना, या फिर कंपनी में क्या बातें चल रही है, क्या चीजें आउट हो रही है, रिलीज हो रही है न्यूज में, उस तरीके से आपने प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट गिरेगा या चढ़ेगा, और उसी हिसाब से यहाँ से आपने जो भी आपको बेहतरीन लगे कॉल ऑप्शन को बेचना या खरीदी करना, पुट ऑप्शन को बेचना या खरीदी करना, वो ऑप्शन के साथ हमने आगे बढ़ना है। ये छोटी सी चीजें हैं, इसी वीडियो में मुझे यही बताना है आपको कि कॉल ऑप्शन को बाय करने से क्या होता है, कॉल ऑप्शन को सेल करने से क्या होता है, पुट ऑप्शन को बाय करने से क्या होता है, पुट ऑप्शन को सेल करने से क्या होता है। ये चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, अगर ये पहुंची है तो ये वीडियो पूरा पूरा वसूल हो चुका है दोस्तों आपका, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार शॉर्टली बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया है और क्या बताना चाहता हूँ। देखिएगा, अगर आपका बुलिश नेचर है, आज मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है शेयर्स का, तो उसके रिगार्डिंग आपने पूरा एनालिसिस किया है, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, और आज आपको लगता है कि कल जाके मार्केट बढ़ेगा, तो आपका नेचर क्या हो गया, बुलिश टाइप का हो गया, कि आप जानते हो कि आज अगर मैं शेयर्स खरीदी करता हूं तो कल जाके उस शेयर्स के भाव दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो आपका नेचर क्या हुआ, बुलिश टाइप का। तो इसमें आपके पास कौन से ऑप्शन होंगे, या तो अगर आप कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बाय करना है कि सेल करना है, तो कॉल ऑप्शन को आपको बाय करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, तो आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं, पुट ऑप्शन है आपके पास में, बुलिश आपका नेचर है कि आने वाले दिनों में मार्केट चढ़ने वाला है, ये आप जानते हो, तो आप पुट ऑप्शन के साथ में क्या करोगे आज? तो आपने पुट ऑप्शन को सेल करना है, ना कि बाय करना है, ठीक है? सेल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेल करोगे तभी बुलिश टाइप का नेचर होगा, है ना? तो पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो, ये बुलिश टाइप के नेचर के जो भी ट्रेडर है उसका नेचर होगा। तो इसमें आप जानते हो मार्केट चढ़ेगा, तो आप इन दो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जानते हो कि मार्केट आने वाले दिनों में गिरने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई बैड न्यूज़ उस कंपनी के बारे में आई है, या फिर उसका कोई सीईओ बदल चुका है, या फिर कुछ हो चुका है उस कंपनी के बारे में, कुछ भी बैड हो चुका है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न उसमें बना है जो डाउन ट्रेडिंग बताने वाला हो आने वाले दिनों में, तो उस टाइप में हमारे ट्रेडिंग का नेचर क्या हो जाएगा? बियरिश। तो हम क्या करेंगे, चढ़ने वाले पे तो पैसे नहीं लगाएंगे, उतरने वाले पे लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन को आप क्या करोगे, बाय करोगे कि सेल करोगे? तो आपको कॉल ऑप्शन को सेल करना है, ठीक है? तभी इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में मार्केट गिरने वाला है और वहां से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर आपके पास पुट ऑप्शन है तो आप क्या करोगे, तो पुट ऑप्शन को आपने सेल नहीं करना है, पुट ऑप्शन को आपने बाय करना है, ठीक है? तो उसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में मार्केट गिरने का आपका प्रिडिक्शन है, आपका अंदाज है, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिरने वाला होता है बेयरिश नेचर में। कॉल ऑप्शन को सेल करिएगा, पुट ऑप्शन को बाय करिएगा। बस ये चीज़ें एक बार ब्लैंक पेपर पे आप समझ लीजिएगा, एक बार इसको रिवीजन कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये वीडियो आपका वसूल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो मैं बताना चाहता था वो आपके पल्ले पड़ चुका होगा दोस्तों, और ट्रेडिंग की दुनिया में एक कदम और आपने रखा है, तो जिसके साथ में ये ऑप्शन ट्रेडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो हाँ, उन लोगों से जो नए ट्रेडर्स लोग हैं उनसे दरखास्त है, दिल से गुजारिश है दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक करने से होता क्या है कि जब भी वीडियो आता है आपको एक नोटिफिकेशन या फिर एक मैसेज जरूर मिलता है, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप ट्रेडिंग का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे दोस्तों। और हाँ, और एक चीज़, जो भी हमारे ये जो PDF है उसको हमने Amazon Kindle चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है? तो इसे रिवीजन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जितना रिवीजन अच्छा होगा उतना आप अच्छे ट्रेडर बनोगे दोस्तों, ठीक है? उसका जो लिंक है, मेरे दोनों जो Part 1 Part 2 है वो नीचे दे रहा हूँ, और जैसे ही Part 3 रिलीज करूँगा उसका भी लिंक मैं इसमें ऐड कर दूँगा दोस्तों, ठीक है? तो आप रिवीजन लगाए, वहाँ से वो किताबें लें, बिल्कुल एकदम नॉमिनल प्राइस में रखा हुआ है दोस्तों, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसी के साथ में मैं आपसे रजा लेना चाहूँगा दोस्तों, और जाते जाते फिर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ हमारी चैनल की तरफ से, और आप लोगों ने जितना प्यार हमें दिया है उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और आने वाले दिनों में और भी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँगा, ताकि आप ट्रेडिंग की दुनिया के बादशाह बने दोस्तों, ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।